सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक जी अपने पितरों को मोक्ष के लिए पिंडदान करने नारायण वाली स्थान के लिए गया में आए हुए हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व राजद नेता श्याम रजक अपने पूरे परिवार के साथ गया में अपने पितरों की मोक्ष की कामना के लिए पिंडदान कर रहे हैं। श्याम रजक अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ गया में पिंडदान कर रहे हैं। विष्णुपद के समीप गजाधर घाट पर तीर्थ पुरोहित मुन्ना लाल पाठक के द्वारा पिंडदान श्राद्ध क्रम कराया जा रहा है। पूर्व मंत्री श्याम रजक यहाँ 3 दिनों तक रहकर 45 पिंड वेदियों पर पिंडदान करेंगे। तीर्थ पुरोहित मुन्ना लाल पाठक ने बताया कि पूर्व मंत्री श्याम रजक अपनी पत्नी और भाई के साथ यहां पिंडदान करने के लिए पहुंचे हैं। यहां वो नारायण बलि श्राद्ध कर रहे हैं। यहां 3 दिन रहकर 45 पिंड वेदियों पर अलग अलग दिन पिंडदान करेंगे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक जी अपने पितरों को मोक्ष के लिए पिंडदान करने नारायण वाली स्थान के लिए गया में आए हुए हैं। ये गया के पहले प्रभारी मंत्री भी थे। इनके रीजन में गया पिंडदान यात्री को बहुत सुविधा मिला और अपने पूर्वजों का पिंडदान ये हर समय साल में एक बार आते करते हैं। ये 3 दिन का पिंडदान करने के लिए आए हैं। पूरा 45 वेदी जो पिंडदान होता है 3 दिन का इनका कार्यक्रम है। गया में पूरे फल्गु नदी विष्णुपद शेषशिला ब्रह्मकुंड अक्षर और विधिवत 3 दिन के अंदर में विधिवत पिंडदान अपने सपत्नी अपने भाई के साथ में गया जी पधारे हुए हैं। अपना नाम बता दीजिए। हम इनके पितृ पुरोहित मुन्ना लाल पाठक इनके पुरोहित। गया से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट।